नीरज, आप किस नेक कार्य के लिए करें? सर, मैं इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है जो बेलारी में है, और मेरी जब सर्जरी हुई थी 2019 में तो मैंने वहाँ पे रिहैब किया था, और मैंने देखा वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं और ट्रेनिंग भी। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे ऐसे और सेंटर बनने चाहिए जो बच्चे जिनको मौका नहीं मिल पाता वहाँ पे उनको वहाँ पे छांट के वहाँ पे उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, उनकी पढ़ाई का भी और उनका खाने पीने का उसका ट्रेनिंग का सारा खर्चा वो देखते हैं। तो वो एक मुझे बहुत बहुत ही अच्छी चीज लगी जो अपने देश में और ज्यादा हो सकती है हमारे स्पोर्ट्स को उठाने के लिए। बहुत अच्छी बात है आपकी। 3 hours a tornado had hit Tokyo, but believe me, the tornado that had hit Indian sport was much much more powerful, and that is leading this dream, fueling this dream, going into Paris. Ladies and gentlemen, put your hands together for Neeraj Chopra. मुझे लगता है कि फिजिकली हम बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, लेकिन मेंटली कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होता है कि यार ओलंपिक्स है, इतने बड़े बड़े एथलीट जाते हैं, क्या पता कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन अभी जब टोक्यो में गोल्ड आया तो ऐसा लगा कि यार कर सकते हैं हम। नीरज केम आउट, ही वॉज जस्ट सो रिलैक्स्ड, इट वॉज लाइक हिज क्वालिफिकेशन थ्रू, ही जस्ट थ्रू टुक हिज बैग्स एंड लेफ्ट, यू नो, ही वॉज लाइक सो नॉनशलांट अबाउट इट, सो कूल अबाउट इट। आई मीन दैट मोमेंट आई थिंक आई जस्ट वेंट नम, आई थिंक फॉर 2 hours आई वॉज जस्ट क्राइंग non-stop. मैं बहुत खुश होता हूँ हमेशा ही IAS में आके, क्योंकि एक घर जैसा यहाँ पे फील होता है। एक एथलीट की लाइफ बहुत ही छोटी होती है, और अगर हम ये टाइम है आगे बढ़ने का, अब ये जो मेडल आ गया है ये मैं इसको घर पे टांग के दोबारा अपने नेक्स्ट ईयर के लिए और उससे अगले ओलंपिक्स के लिए तैयारी शुरू कर दूंगा, क्योंकि अगर यही मेरे गले में लटका रहा और उससे मैं फील करता रहा तो आगे के लिए शायद उतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा। हमारा सफर खत्म नहीं होता है, टाइटल को दोहराना भी एक मैं सबसे बड़ी बात मानता हूँ। यूसेन बोल्ट जैसे एथलीट है, माइकल फेलिप्स है, उन्होंने टाइटल्स को दोहराया, इसलिए वो सबसे महान एथलीट कहलाते हैं। ये मेडल आ गया है, काफी खुशी है, अब अगले के लिए पूरी मेहनत करेंगे।